हेलो एवरीवन, अपनी आज की वीडियो में मैं बैट्समैन को बताऊंगा कि वो अपना ट्रिगर मोमेंट स्पिनर्स पर कैसे करेंगे। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि फास्ट बॉलर पर और स्पिनर पर ट्रिगर मोमेंट डिफरेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो स्पिनर्स पर कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि आपको स्पिनर पर सबसे सुटेबल ट्रिगर मोमेंट कौन सा होगा, और बहुत से बैट्समैन को एक्चुअल में पता भी नहीं है कि वो ट्रिगर मोमेंट को कैसे लेंगे और वो ट्रिगर मोमेंट का मेन जो यूज़ होता है ना वो क्या होता है। तो मैं आज अपनी वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए अलॉन्ग विद द बेल आइकन, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। गाइज, मैंने ट्रिगर मूवमेंट पर ना पहले वीडियो बनाई हुई है, पर मैंने ऐसे स्पेशल वीडियो नहीं बनाई हुई जैसे आपके स्पिनर पर कैसे ट्रिगर मूवमेंट करोगे। देखो, पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रिगर मूवमेंट का जो यूज़ होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है। आप जब बैटिंग कर रहे हैं, है ना, तो अभी क्या है, अभी जब सामने से आपको बॉलर जो बॉल फेंक रहे हैं, अगर आप बिना ट्रिगर मूवमेंट किए अगर आप रेडी फील कर रहे हो, अगर आप ऐसे स्टांस से खड़े हो, आपको कोई बॉलर बॉल फेंक रहा है, आप रेडी फील कर रहे हो, तो ठीक है, आपका ट्रिगर मूवमेंट आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बॉलर को फेस कर रहे हो और उसके बॉल छोड़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्वाइट स्लाइटली आप लेट हो रहे हो, तो समझ जाइए आपके या तो ट्रिगर मूवमेंट में दिक्कत है, या फिर आपके बैटिंग का जो फुटवर्क है उसमें दिक्कत है, या आपके बॉल के जजमेंट में दिक्कत है। तो इतना हम सारे टॉपिक पर आज बात नहीं करेंगे, खाली ट्रिगर मूवमेंट बात करेंगे। तो जब हम स्पिनर को खेलते ना, तो हमें एकेडमी लेवल पर स्पिनर्स की स्पीड मैक्स टू मैक्स कितनी फेस करने को मिलती होगी, मेरे हिसाब से 70 किलोमीटर पर आवर से 80 किलोमीटर पर आवर के बीच में है, कभी कभी 85-90 जा सकती है, लेकिन एकेडमी लेवल पर और ये थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको इतनी स्पीड ही फेस करने को मिलेगी। तो बहुत से बैट्समैन क्या करते हैं, स्पिनर्स पर भी वो अपना ट्रिगर मूवमेंट करते हैं, ये बैक एंड क्रॉस वाला, ऐसे वाला। तो गाइज, अगर आपको 80 से 90 तक की स्पीड को जज करने में दिक्कत हो रही है ना, तो फिर आप क्रिकेट छोड़ दीजिए, ओके, फिर आप क्रिकेटर नहीं बन सकते हो, बात मानो मेरी। ये ट्रिगर मूवमेंट जब करते हैं जब आप 120-130 की बॉल को फेस कर रहे हो। अभी हम सिंपल, देखो क्या है, अभी क्या है, अभी मैंने स्टांस लिया हुआ है ना, तो स्टांस लेने के बाद अब मुझे ना अपनी बॉडी को ऐसे, मैं स्टांस लिया है, ये मेरी बॉडी अभी फ्रीज पोजिशन में है, फ्रीज में, एकदम फ्रीज। अब मुझे अपनी बॉडी को ना मोमेंटम में लाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स या समझ लो कि कोई ऐसा क्रूशियल मूवमेंट करना है जिससे मेरी बॉडी फटाफट से चार्ज हो जाए, समझ रहे हो आप। ऐसे मैं खड़ा हूँ, देखो यहाँ पर, जैसे बाइक होती है ना, बाइक को स्टार्ट करने से पहले उसका सेल्फ मारना पड़ता है ना, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए, तो बेसिकली वो एक ट्रिगर मूवमेंट है। सेम थिंग आपको अपने बैटिंग में भी अप्लाई करनी है। अब देखिए, मैं ऐसे खड़ा हूँ, अभी बॉलर ने बॉल फेंक दिया, मैंने अपने बॉडी में कोई भी इनर्शियल मूवमेंट नहीं किया ना, तो बॉल तो जज मेरी आंखों से हो जाएगा, बॉल तो जज हो जाएगा, लेकिन मेन क्या होगा, मेरे फुटवर्क अकॉर्डिंग टू बॉल की लाइन लेंथ के हिसाब से काम नहीं करेंगे, काम करेंगे भी तो थोड़े लेट हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, जैसे अपने स्टांस लिया, अब अपने आप को स्पिनर्स पर ये वाला फुटवर्क की आड़ डालो, स्टांस जैसे वो बॉल छोड़ने वाला है, जस्ट रिलीज द बॉल, जब बॉल रिलीज हो रहा है उसके कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में, अपने स्टांस लिया है, अपने आप ट्रिगर मूवमेंट में ये अपना फ्रंट फुट थोड़ा सा खोलिए, शोल्डर थोड़ा डिप करिए, थोड़ा सा बैट को हाई करिए। आप जब भी स्पिनर को खेल रहे हो ना, आप खाली इसी तरह के ट्रिगर मूवमेंट को यूज़ करोगे। आप फिर से एक साइड व्यू देख लीजिए, है ना, स्टांस गो, देखो ये, और आप जब ट्रिगर मूवमेंट करो ना, आपका बॉडी का वेट किसी एक पैर पर नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी का वेट दोनों पैरों पर इक्वल होना चाहिए। पता है इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप ट्रिगर मूवमेंट करा आपने और आपका बॉडी का वेट अगर आपने आगे वाले पैर पर ज़्यादा डाल दिया, तो आपका आगे वाला पैर लॉक हो गया। अब इसको मूव करने के लिए ना आपको इससे वेट हटाना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने ट्रिगर मूवमेंट में बैकफुट पे वेट ज़्यादा डाल दिया, तो आपके बैकफुट वाले शॉट ब्लॉक हो जाएंगे। अब आपको बैकफुट पे जाके शॉट खेलने के लिए ना बैकफुट पे से वेट हटाना ही पड़ेगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंड, इसमें ट्रिगर मूवमेंट में जो बैट्समैन बहुत गलतियाँ करते हैं, सेकेंड क्या करना है, जब आप अपना ट्रिगर मूवमेंट ले रहे हैं ना ये वाला, तो अपने हेड को ना बिल्कुल भी स्टिल रखना है, बिल्कुल स्टिल, आपकी बोथ आईज पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के और ग्राउंड के पैरेलल रहेंगी। ऐसा नहीं आपने ट्रिगर मूवमेंट किया, अपने हेड को ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, अगर आपने ऐसे कर दिया ना, तो आपकी आंखों का जो फोकस है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आपका जो जजमेंट है, बॉल की लाइन को पिक करना होता है, लेंथ को पिक करना होता है, वो आप नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। दो पॉइंट याद रखो। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि हम ट्रिगर मूवमेंट में ना स्लाइटली अपने फ्रंट शोल्डर को डिप करते हैं। देखो कैसे करेंगे, स्टांस गो, तो पता है इससे क्या फ़ायदा हुआ, ट्रिगर मूवमेंट को डिप करने के बाद बॉल का जो ट्रैक्टरी है और बॉल का जो बाउंस है, हमारा हेड ना पिच के और ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। देखो अभी आप खुद वीडियो में देख लो, मेरे हेड की पोजीशन अभी ये है, मैंने ट्रिगर मूवमेंट किया, हेड की पोजीशन अभी नीचे आ गई, मतलब आपका हेड पिच के और क्लोज आ गया। इसका मतलब है अब आपका जो व्यू है ना
वो बॉल पर और ज़्यादा क्लोजली हो जाएगा, और ज़्यादा अगर क्लोजली हो गया तो आपका जो परसेप्शन है, आपका जो फोकस लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बॉल को पिक बहुत ईजिली कर लोगे। ठीक है, इतना दो तीन पॉइंट आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि आप ट्रिगर मूवमेंट की प्रैक्टिस कैसे करोगे इसकी। ठीक है, स्टांस लेना है, इसकी प्रैक्टिस आप अंडर आर्म पे स्टार्ट करिए और इमेजिनेशन में, शैडो में। सबसे ज़्यादा मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि शैडो प्रैक्टिस करो, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। स्टांस लेना आपको यहाँ पर, अपने आपको बोलना है कि बॉलर आ रहा है, आपको स्पिनर को फेस कर रहे हैं, उसने जंप लिया, बॉल हाथ से छोड़ने ही वाला है। यस, ये देखो मेरा बॉडी का वेट दोनों पैरों पर है कि नहीं है, मेरी दोनों आंखें लेवल है या नहीं है, मेरा फ्रंट शोल्डर स्लाइटली डिप है या नहीं है। आपको खुद से ही डॉक्टर बनना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, फिर से प्रैक्टिस करेंगे एक बार। स्टांस गो, पहले मैं अपने दोनों पैर चेक करूंगा, मेरे दोनों पैरों पर वेट इक्वल डिवाइड है या नहीं है, मेरा फ्रंट शोल्डर डिप है या नहीं है, हाँ है, मेरी दोनों आंखें लेवल है कि नहीं है, हाँ है दोनों आंखें लेवल। आप इस तरह से अपने आप को चेक करोगे ना, तो आप यकीन मानिए आपकी बैटिंग खुद से इंप्रूव होगी और साथ साथ आप फॉल्ट करने के चांसेस को बहुत डिक्रीज कर दोगे। गाइज, ये जो वीडियो बनाना है मैंने, ये बहुत डिटेल आपको नॉलेज दिया है, मतलब स्पिनर्स पे आप कैसे फेस करोगे। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप ट्रिगर मूवमेंट स्पिनर्स पर कैसा लेते हो। अगर आप ये फ्रंट फुट वाला ट्रिगर मूवमेंट नहीं करते तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। सचिन तेंदुलकर सर ने पूरी क्रिकेट फ्रंट फुट के ट्रिगर मूवमेंट के साथ में खेल दिया है, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, तो आपको ध्यान रखना है। इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।